है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जब कभी तबीयत ठीक ना हो और घर के बहुत सारे काम करने हो, तो आप सभी कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आज मैं वही सेम सिचुएशन में हूँ। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, घर के बहुत सारे काम करने हैं, साथ ही साथ मुझे बाहर भी निकलना है क्योंकि आज मार्केट में भी थोड़ा बहुत काम है। तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूँ। प्लस खाना तो बनाना ही बनाना है क्योंकि बच्चे गए हुए हैं स्कूल, तो उनके आने से पहले मुझे रिटर्न भी होना है। सो खाना वाना रेडी करके ही निकलूँगी। तो समझ में नहीं आ रहा है ये जो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है ना, क्लीनिंग डस्टिंग वाला, वो काम कैसे फिनिश करूँ फटाफट। सो क्या करते हैं ना, इतने कम टाइम में एकदम डीपली अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पाएगी। तो वैसे भी जब हम डेली क्लीनिंग करते हैं ना, तो वैसे मोस्टली डेली हमें बहुत ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है। सो ये एक ना बहुत अच्छा पार्ट है कि अगर आप डेली क्लीनिंग कर रहे हो, तो बीच में अगर एक आध दिन आपकी तबीयत खराब हो गई हो, या फिर आपका मन ना हो, या फिर आपको कहीं बाहर जाना हो, तो आप थोड़े बहुत क्लीनिंग से भी काम चला सकते हो। सो आज क्या हुआ ना, कभी कभी मेरे साथ क्या होता है ना, अब माइग्रेन है कि क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने चेकअप नहीं कराया है, बट कभी कभी ना एक साइड का जो सर है और एक आँख है वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। और जब पेन करना स्टार्ट होता है ना, सर तो चलिए दर्द दे रहा है कोई बात नहीं, बट जब आँख दर्द देता है ना, तो फिर मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। तो आज सुबह से ही पता नहीं क्यों एक तरफ का सर भी और आँख भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, और तुरंत मैं मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए, और जब तक आप डॉक्टर से दिखाओ नहीं ना, तो ऐसे कोई भी दवा लेना नुकसानदेह ही होता है। सो जब बर्दाश्त नहीं होता है तब लेना ही पड़ता है, बट किसी तरह मैं बर्दाश्त करके हूँ कि ठीक हो जाए, बट पता नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रही है। सो बच्चों को मैंने स्कूल भेजा, सारा मॉर्निंग का जो काम है, नाश्ता वास्ता, वो किचन वाला कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं लेट ही गई थी, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेकिन इतना ज़्यादा घर बिखरा हुआ है ना कि अगर ना भी करूं तो भी मुश्किल है, मैं ऐसे रह ही नहीं सकती हूं। और एक बार मैं आप लोगों को ना टाइम दिखा दे रही हूं। सो अभी आप देख सकते हो 9:45 बस होने वाले हैं और मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। वैसे ना आज स्किप भी किया जा सकता था, बट ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ना जब कार्तिक पूर्णिमा के बाद जब अगन चढ़ता है ना, तो अगन में जो बृहस्पत आता है ना, उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। 4-5 जो भी बृहस्पत पड़ते हैं ना, उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। हमारे यहाँ उसे अगन बिफे कहते हैं, तो वही कल से स्टार्ट होना है। कल फर्स्ट बिफे है, तो कल माँ लक्ष्मी की पूजा होनी है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। सो जो भी घर की क्लीनिंग होती है ना, वो आज ही हमें कर लेनी होती है। बाहर जो बाहर मेन गेट है, वहाँ गोबर उबर से हम लिपते हैं, शाम में पूरे घर में चौक चंदन देते हैं, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सो कल थर्सडे के दिन ना झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं होना है घर में। सो जितनी क्लीनिंग करनी है, जो भी करना है ना, आज ही करना रहता है। सो इसीलिए ना आज मैं इसे स्किप भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज भी घर वैसे ही पड़ा रहेगा, फिर कल माँ की पूजा है, सो कल फिर घर गंदा वैसे ही रहेगा। सो इसीलिए ना आज तो जैसे भी कंप्लीट करना ही है, बट मेरे पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारे काम करने हैं। सो मैंने क्या किया ना, जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि जो सामान जहाँ का है उसे पहले आप उसे वहाँ रख दो, तो थोड़ा बहुत घर ऑर्गेनाइज लगने लगता है। थोड़ी बहुत ऊपर जो टॉप हिस्सा है फर्नीचर का, या जो मेन जगह है डस्टिंग करने की, उन्हें डस्टिंग कर दो, तो उसके बाद थोड़ा सा घर और अच्छा लगने लगता है। तो बस मैंने यही वाला रूल फॉलो किया है। और सबसे पहले ना सारे बेडरूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है, जो लिविंग रूम है उसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो इस तरीके से ना घर अब थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा है। और क्या कर रही हूँ ना, ऑर्गेनाइज के साथ साथ मैं डस्टिंग भी करते जा रही हूँ, ताकि फिर बार बार मुझे ये चीज़ ना करनी पड़े। मतलब एक रूम में मैं इंटर हो रही हूँ, तो पूरे रूम को अच्छे से सेटअप कर दे रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर डस्टिंग करके वहाँ से निकल जा रही हूँ। तो उसके बाद क्या होगा ना, सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा मारना होगा। सो पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी, मतलब डस्टिंग जो होता है और पूरे घर को ऑर्गेनाइज करना, सेटअप करना, वो मैंने कर लिया था। बस बचा हुआ था किचन। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मॉर्निंग में जब बच्चे चले गए ना, उसके बाद में मैं लेट ही गई थी, तो उसके बाद मैंने किचन को भी नहीं झाँका कि क्या है कैसा है। मतलब मॉर्निंग में जब मैंने नाश्ता बनाकर छोड़ा ना, उसके बाद वो किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो चीज़ें जहाँ थी वहीं हैं। तो चलिए फटाफट इसे हटाते हैं, काउंटर टॉप को थोड़ा खाली करती हूँ, जो वॉल टाइल्स है उन्हें क्लीन करती हूँ, ग्लासेस के सेल्फ लगे हुए हैं उन्हें क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब भी आप सब्जी बनाओ ना, तो ना चाहते हुए भी ना तेल के इस मसाले के छींटे थोड़े बहुत पड़ते ही पड़ते हैं, और ऐसे अगर गंदे छोड़ दोगे ना, तो बहुत गंदा लगता है। अगर थोड़े बहुत भी छींटे पड़े हो ना, फिर भी उसे क्लीन करना ज़रूरी होता है।
तो वॉल टाइल्स, ग्लासेस वाले सेल्फ लगे हुए उन्हें, प्लस काउंटरटॉप और गैस, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। और अब बारी थी सिंक में ना मॉर्निंग के थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे तो उन्हें भी क्लीन कर लेती हूँ। चाय के बर्तन थे, बच्चों ने नाश्ता किया था तो वो नाश्ता के बर्तन थे। प्लस क्या होता है ना, सब्जी वब्जी जब बन जाती है ना तो उन्हें मैं छोटे बर्तन में डाल देती हूँ, और जो बड़े बड़े कढ़ाई हैं, जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं ना, उन्हें वॉश कर देती हूँ। तो बर्तन भी यहाँ क्लीन हो गए थे, और ये जो टॉवल है किचन में ना, उसे मुझे धोना था, तो उसे भी मैंने हटा दिया वहाँ से। और उसके बाद फटाफट मैंने झाड़ू उठाया और पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी नीचे आंगन में भी बहुत सारे काम हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं अपने सीढ़ी वाले एरिया में, तो ये जो सूरेक है ना, इसके ऊपर जो मैंने एज ए रनर अपने दुपट्टे को यूज किया था, वो बहुत गंदा हो गया था, सो उसे हटा देती हूँ, क्योंकि दिवाली के समय मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोर किया था, तो उस समय मैंने जो सिल्क वाले दुपट्टे होते हैं ना, उसे एज ए रनर यूज किया था। सो अभी दिवाली के बाद इतने टाइम है ना, थोड़े गंदे हो गए थे, और इंट्रेंस में थोड़ा बहुत बगैर गंदा नज़र आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, सो उसे मैंने यहाँ से हटा दिया, और इसकी जगह मैं यहाँ दूसरा रनर दूँगी। लेकिन उससे पहले इसे अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, गंदा तो हो ही जाता है चाहे आप कितने अच्छे से रखो। तो एंट्रेंस एरिया की भी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई है, और सारे जो प्लांट मैंने रखे हैं उन्हें उनकी जगह पे अच्छे से रख दिए हैं। और उसके बाद बस मॉपिंग बची हुई थी सीढ़ी वाले एरिया की, तो फटाफट जो सीढ़ी है मेरा उसे पूरे अच्छे से मॉपिंग कर देती हूँ, और उसके बाद चलते हैं आंगन में। तो यहाँ गेट के सामने ना मैंने थोड़े से गोबर ला कर रखे हुए थे लीपने के लिए, सो फटाफट चलिए ये वाला काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना भी इसी में जाना है, क्योंकि गोबर लीपने में थोड़ा सा टाइम चला ही जाता है, और ये सब चीज़ें ना हम कभी कभार करते हैं ना, तो उतने एक्सपर्ट होते नहीं हैं, बट फिर भी कर लेते हैं। और ये गोबर लिपना मुझे सही में नहीं आता था, मैंने बस मम्मी को देखा था कि मम्मी कैसे किस तरीके से पूजा में करती थी, सो वही देख देख के मैंने सीखा है, तो बस थोड़ा बहुत उसी से कर लेती हूँ। सो अगर अपने लाइफ में कभी भी कुछ सीखा है ना, या बस आपने देखा ही है ना, तो भी वो चीज़ें ना कभी खाली नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती, लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे वो यूज आ ही जाती है, सो इसलिए ना कुछ भी सीखना बर्बाद नहीं होता है। सो अगर आज मुझे ये नहीं आता करने, तो पूजा पाठ में बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे भी हमारे यहाँ ना कोई भी पूजा पाठ हो, गोबर से पूरे आंगन को लिपते ही लिपते हैं, ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, और माँ लक्ष्मी की पूजा हो, सत्यनारायण कथा हो, तो ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो फाइनली धीरे धीरे करते करते अब जाकर सारे काम डन हो गए हैं, घर के अंदर के भी, घर के बाहर के भी। थक बहुत ज़्यादा गई हूँ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जब काम करने में लेट होता है ना, मतलब आप कुछ टाइम के बाद काम स्टार्ट करो, 9-10 बजे के बाद ना, तो बहुत स्पीड से काम करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और कपड़े पूरे भींग गए थे, सो फटाफट मैं चली गई थी सावर लेने, और सावर लेकर अब आ गई हूँ। और आते के साथ पूजा वूजा करने के बाद ना मैं रेडी हो गई थी, और एक तरफ मैंने चावल भी बैठा दिए हैं, सब्जी मैंने मॉर्निंग में थोड़ी सी ज़्यादा बना दी थी, तो बस चावल बनाने थे और दाल बनाने थे, तो भात मैंने ऑलरेडी बैठा दिए हैं, और उसके बाद फटाफट दाल भी कर दूंगी। और तब तक इधर क्या करती हूँ ना, रेडी हो जाती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, ये दोनों काम जब तक करूँगी ना, तब तक उधर खाना बन जाने हैं, और उसके बाद फिर निकलेंगे मार्केट के लिए। टाइम आप देख सकते हो अभी 12 बजने वाले हैं, तो अब जाकर सारे काम ख़त्म हुए, और अब फाइनली मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत काम मुझे आज बाहर भी करने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे, सो इसीलिए निकलना पड़ा। और बाल मेरे पूरे भींगे हुए थे, और हवा में ना बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे। सो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।